हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूना। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट हैं, कुछ यूनिट मैंने पहले करवा रखा है और कुछ यूनिट मैं रन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट पर जाकर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं चैनल पर आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो मैंने तो थ्योरी स्टार्ट करा था, बट बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए। ये सही भी है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में लगा था कि एटलीस्ट 1 मंथ तो दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के बाद, बट हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट 10 दिन बस हमारे पास टाइम है, तो 10 दिन में क्या ही थ्योरी पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज का यूनिट हमारा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। मैंने इसके पहले बहुत सारे यूनिट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डीबीएमएस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो इन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप प्लेलिस्ट पे जाकर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर ना मेनली कह सकते हैं कि 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। एक तो हमारा डिजिटल लॉजिक वाला पार्ट हो जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा हमारा नंबर सिस्टम, और उसके बाद जो बाकी बचा है वो अलग पार्ट में। तो डिजिटल लॉजिक भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट पर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और नंबर सिस्टम तो फंडामेंटल का एक है बना हुआ, आप देखिएगा प्ले लिस्ट पर, आपको मिल जाएगा। मतलब इससे बाहर आपका कुछ जाएगा ही नहीं, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है नंबर सिस्टम, तो आप वहाँ से कर लीजिए। बाकी इस पार्ट में जो जो भी टॉपिक है वो सब हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे बाई क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेमोरी इंटरफेसिंग, मतलब कि मेमोरी से रिलेटेड आप देखे होंगे, कैश मैपिंग पढ़े होंगे, जैसे हमारा मेमोरी हायरार्की हो जाता है, तो उन सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है मशीन इंस्ट्रक्शन, या फिर एड्रेसिंग मोड, इसमें हो जाता है हमारा एक कंट्रोल यूनिट डिजाइन, और एक हमारा हो जाता है पाइपलाइन। बट मुझे लगता है कि इन दोनों पार्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपके सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, स्पेशली मेमोरी वाले पार्ट से और नंबर सिस्टम वाले पार्ट से। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो है वही करेंगे, जैसे डिजिटल लॉजिक हमने करवा रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप जाकर देखिए प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। नंबर सिस्टम भी बहुत सारा क्वेश्चन करवा रखा है, तो अब जो बचा हुआ है ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। 2 से 3 क्लासेस में मैं कोशिश करूँगी कि सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ। तो सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आप नाम सुने होंगे, एक हमारा होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और एक होता है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में सबको लगता है कि सेम ही है, बट ऑलमोस्ट सेम है बट डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर बना है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने में, ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। तो ये होता है हमारा आर्किटेक्चर। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज, विभिन्न लोग कैसे यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस आई होप क्लियरिटी मिला होगा आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ कैटेगरीज एंड मेथड दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बी है सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सी ऑप्शन है सेट ऑफ फंक्शंस एंड मेथड्स दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और डी है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है एंड मेथड होता है जो स्पेसिफाई करता है फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। हमको कंफ्यूज नहीं होना है, समटाइम क्या लगता है कि सारा ऑप्शन तो सेम ही है, बट हमें इनमें से भी देखना है कि कौन सा इफेक्टिव है, ज़्यादा अच्छा कौन सा है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑल रहता तो कह सकते थे, बट यहाँ पे ऑल नहीं है, तो हमको इसमें से कोई एक ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो हमको चूज करना होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी,
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पूछा है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय द यूजर। बी है स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय द डेवलपर। सी है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑब्जर्व बाय द डेवलपर। और दूसरा है ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, यूजर के द्वारा, ना कि डेवलपर के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय द यूजर। मतलब कि कैसे हमको ऑर्गेनाइज करना है वो हमारा क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज इन द कंप्यूटर नाउडेज। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं तो जो उसका आर्किटेक्चर है कौन सा आर्किटेक्चर है, माइक्रो आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन। तो वो कौन सा है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। जो हम लोग अभी कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन सा आर्किटेक्चर है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। राइट आंसर सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो किसने डेवलप किया था, ब्लाइस पास्कल, चार्ल्स बैबेज, जॉन वॉन न्यूमन, नॉन ऑफ दी अबव। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या पूछने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ एग्जैक्ट आ जाएगा, बट आप कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए सो डैट कि आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सके। हो सकता है कि थोड़ा चेंज करके, थोड़ा स्टोरी बनाकर, मतलब कि घुमा कर दे सकता है। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर एड्रेस बस इज। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, कंप्यूटर एड्रेस बस। तो यहाँ पे बात आता है कि बस किसको कहते हैं। तो जो हमारा, जैसे हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, एक हमारा इनपुट होता है, यहाँ पे सीपीयू होता है, और यहाँ पे आउटपुट होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, यहाँ पे एएलयू होता है, और यहाँ पे मेमोरी होता है। तो ये सब जो आपस में कम्युनिकेट करता है ना, जैसे कंट्रोल यूनिट एएलयू से कम्युनिकेट कर रहा है, एएलयू मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये सब जो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, आप जब सीपीयू कभी खोल कर देखिएगा तो वहाँ पे देखिएगा वायर लगा हुआ रहता है मोटा सा, तो उसको हम लोग कहते हैं बस। मतलब कि इन सब जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू करते हैं, बसेस के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर एड्रेस बस, एड्रेस बस जो हमारा होता है वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, नॉन ऑफ द अबव होता है। तो जो हमारा एड्रेस बस होता है वो क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल, सी इज द राइट आंसर। और अगर टाइप पूछता है ना, जैसे पूछ देता है कि बसेस कितने टाइप्स के होते हैं कंप्यूटर बसेस, तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में डेटा बस, ये सब अगर आप कहीं पे इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, अगर मेंशन नहीं किया हुआ आपके नोट्स में तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वही एग्जैक्ट आएगा, जो मैं नोट्स लिखवाती हूँ ना साइड साइड से उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बसेस होता है कंप्यूटर बसेस वो कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। डेटा बस हो जाता है, एक हमारा एड्रेस बस होता है, और एक हमारा होता है कंट्रोल बस। तो जो हमारा डेटा बस होता है ना ये होता है बाई डायरेक्शनल, जो हमारा एड्रेस बस होता है जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यूनि डायरेक्शनल। और जो हमारा कंट्रोल बस होता है ये भी क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सर्किट है जो बस 1 बिट को स्टोर करता है, 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर, इनकोडर, रजिस्टर। तो वो क्या होता है हमारा, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, और बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिलकर हमारा क्या बनता है, रजिस्टर बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे इन विच द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा तरीका है एक दूसरे से कनेक्टेड होने के लिए, कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बी इज द राइट आंसर। ये बी है, मतलब कि ये ए बी सी डी कर लो या फिर 1 2 3 जो भी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज नोन एज। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा मेन मेमोरी होता है उसको और क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मेन मेमोरी, नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा मेन मेमोरी होता है ना उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस, बी इज द राइट आंसर। हो सकता है क्वेश्चन में आप पूछते हैं सेकेंडरी मेमोरी, तो क्या हो जाएगा, लॉजिकल एड्रेस। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, हम लोगों ने इसके क्वेश्चन भी किए हैं पीजिंग में, तो आप वहां से भी देखिएगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस कनेक्ट द सीपीयू टू अ मेमोरी ऑन अ सिस्टम बोर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर बसेस है जो कनेक्ट करता है किसे मेमोरी से, एक्सपेंशन बस, बिग बस, सिस्टम बस, नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिस्टम बस, सी इज द राइट आंसर। मतलब कि ये 1 है 2 है 3 है ये 4 है, तो क्या होगा, सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड एज। यहाँ पे कह रहा है कि 8 बिट को हम लोग क्या कहते हैं, 8 बिट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, निबल कहते हैं, वर्ड कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, मैंने इसके क्वेश्चन फंडामेंटल्स में करवाए हैं बहुत ही डिटेल में, तो अगर आपको नहीं पता है तो जरूर जाकर देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, 8 बिट पूछा है, तो 8 बिट को हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 4 बिट भी पूछते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक निबल। और उसके बाद क्या होता है, 1024 बाइट, तो वो क्या बन जाता है हमारा, एक केबी बन जाता है। उसी तरह से 1024 केबी बराबर क्या हो जाता है, 1 MB हो जाता है। और उसी तरह से सो ऑन, तो यहाँ पे क्या पूछा है, 8 बिट पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 1 बाइट, ए इज द राइट आंसर। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, मैंने ये डिटेल में यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स में बहुत ही डिटेल में करवाया है, तो आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरैक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी स्टोरेज से इंटरैक्ट करता है, पीसी प्रोग्राम काउंटर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, और IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सम टाइम डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो हम लोग फुल फॉर्म्स भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो सेकेंडरी मेमोरी से इंटरैक्ट करता है, तो जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, उससे इंटरैक्ट कौन करता है, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कंप्यूटर स्टोर्स इज डेटा इन मेमोरी। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में वो किस फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, ऑक्टल फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, डेसिमल फॉर्म में होता है। तो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी समझता है, 0 या 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच सेंड्स डेटा फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू टू और मोर सेपरेट डेस्टिनेशन। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो डेटा सेंड करता है किसके थ्रू, सिंगल सोर्स, मतलब कि इस तरह से 1 to many कह सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सर, बी इज द राइट आंसर। ये नंबरिंग थोड़ा गलत सेट हो गया है, ये 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 1 to many था, मतलब कि क्या था, सिंगल सोर्स टू टू और मोर सेपरेट डेस्टिनेशन, मतलब सिंगल सोर्स है या डेस्टिनेशन क्या है, टू या फिर उससे ज़्यादा है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मतलब कि मल्टीपल सोर्स है और 1 डेस्टिनेशन है, मतलब कि ऐसा मल्टीपल सोर्स है 1 डेस्टिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। इसको याद रखिएगा, ये क्या है, 1 to many,
इसको समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वन टू मेनी कौन सा होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है डीमल्टीप्लेक्सर होता है, तो हम लोग याद रखेंगे वन टू मेनी क्या होता है डीमल्टीप्लेक्सर, और मेनी टू वन क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, मेनी टू वन। इसको ये भी कह सकते हो पैरेलल टू सीरियल, क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। एक तो हमारा हो जाएगा कि मेनी टू वन मतलब कि मेनी सोर्स है वन डेस्टिनेशन है, या यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरेलल टू सीरियल, मतलब कि पैरेलल में बहुत सारा है और सीरियल मतलब कि पैरेलल टू सीरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा सीरियल टू पैरेलल। ये क्या था डीमल्टीप्लेक्सर था, मतलब इसको डीमक्स भी कहते हैं और इसको मक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परली स्टोर ड्यूरिंग वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो रिसेंटली वर्क हो रहा है, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट पे या फिर कोई भी वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो जो स्टोर रहता है वो कहाँ पे रहता है, जैसे कि हम लोग अभी सेव नहीं किए वो टेम्परली स्टोर है मतलब कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वो कहाँ पे होता है, रॉम में होता है सीपीयू होता है रैम होता है या फिर फ्लैश मेमोरी होता है, जो हमारा टेम्परली डेटा स्टोर होता है ना वो कहाँ पे होता है रैम में होता है। सी इज द राइट आंसर। और वही अगर यहाँ पे पूछ दे परमानेंट, तो परमानेंट कहाँ हो जाता है हमारा हार्ड डिस्क में। परमानेंट स्टोर, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मिम्ड स्टैंड फॉर। यहाँ पे कह रहा है कि मिम्ड का फुल फॉर्म्स क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मेमोरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी डेटा। तो मिम्ड का फुल फॉर्म्स क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, बी इज द राइट आंसर। तो हम लोग फुल फॉर्म्स भी याद रखेंगे क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, मैं बार बार कहती हूँ कि फुल फॉर्म्स क्या होता है डायरेक्ट पूछ ले जाता है, तो हम लोग फुल फॉर्म पे भी फोकस करेंगे। एक तो क्वेश्चन तो पक्के रहते ही रहते फुल फॉर्म्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है मेमोरी और स्टोरेज के लिए। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं मेमोरी है स्टोरेज है, बट हम लोग को क्या लगता है कि दोनों सेम ही होता है, बट नहीं दोनों में डिफरेंस होता है। मेमोरी में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मेमोरी इज टेम्पररी स्टोरेज इज टेम्पररी, मेमोरी इज टेम्पररी स्टोरेज इज परमानेंट, मेमोरी इज परमानेंट स्टोरेज इज टेम्पररी, मेमोरी इज स्लो स्टोरेज इज फास्ट। तो जो हमारा मेमोरी होता है ना वो क्या होता है टेम्पररी होता है, और स्टोरेज जो होता है वो क्या होता है परमानेंट होता है, हम इसको याद रखेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड एन बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास एन बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो उसमें कितना रजिस्टर होगा, एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एन बिट एड्रेस रजिस्टर, एन बिट प्रोग्राम काउंटर, नन ऑफ द एबव। तो जो हमारा एन बिट माइक्रो प्रोसेसर है उसमें क्या होता है एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी होता है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सिस्क स्टैंड फॉर, यहाँ पे पूछा है सिस्क, एक होता है हमारा रिस्क एक होता है हमारा सिस्क, तो जो हमारा सिस्क होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ए इज द राइट आंसर। और वही अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, सेट कंप्यूटर, तो कुछ भी पूछ सकता है तो हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज मेजर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कैश मेमोरी के परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, चैट रेशियो, हिट रेशियो, कॉपी रेशियो, डेटा रेशियो। तो किसके थ्रू करते हैं हम लोग, हिट रेशियो के थ्रू करते हैं। हिट रेशियो क्या होता है कि जैसे कोई मेमोरी अगर कोई पेज को ढूंढ रहा है अगर मिल गया तो वो हिट हो गया, और अगर नहीं मिला तो वो मिस हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज फॉल्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेज फॉल्ट का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन में पेज फॉल्ट अकर व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ पेज ऑफ अनदर प्रोग्राम, सेकेंड है पेज फॉल्ट अकर व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ पेज इन मेन मेमोरी, थर्ड है पेज फॉल्ट अकर व्हेन देयर इज एन एरर इन पर्टिकुलर पेज, डी है पेज फॉल्ट अकर व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ पेज विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। तो जो हमारा पेज फॉल्ट होता है ना, जैसा कि मैंने भी डिस्कस करा कि जो हमारा पेज फॉल्ट होता है अगर मेन मेमोरी में मिल गया तो वो क्या होगा पेज हिट होगा,
और अगर नहीं मिला मतलब क्या है प्रेजेंट में मेरी में नहीं है नॉट, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, तो क्या हो जाएगा पेज फॉल्ट कह लो या फिर पेज मिस कह लो, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, डी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आज के एकदम मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए, मतलब कि अगर किसी के माइंड में नहीं होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एकदम बेसिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हो तो आई होप उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल से मैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, और 2 से 3 क्लासेस में कोशिश करूंगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब मतलब कि कवर हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।